कुछ तो है कोरिया में, है ना। मतलब जहां देखो वहां कोरिया ही कोरिया, मतलब। और जो है मतलब लोगों ने बात करनी छोड़ दी, जापान चाइना वाइना ये सब जो है छोटे हो गए, कोरिया ही कोरिया हो रहा है। कोरिया का गाना, कोरिया का खाना, कोरिया की पिक्चर, कोरिया का पहनावा। तो नमस्कार, मैं हूँ कोरिया बरार, सॉरी, तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। और आज बनाएंगे एक चिल्ली चिकन कोरिया स्टाइल, है सिर्फ वही नहीं, कोरियन फ्राइड चिकन भी साथ में बनाएंगे, क्योंकि रेसिपी जो है वो बिल्कुल ऐसे पास पास में है ना, तो मैंने कहा एक साथ दोनों काम निबेड़ देते हैं। निबेड़ना मतलब ख़त्म करना, जैसे अभी म्यूजिक निबेड़ के वापस आइए। कॉलिंग एंड एक्शन। देखिए, जो मेन सोर्स है ना कोरियन स्पाइस का, वो है एक चिली पेस्ट जिसका नाम है गोचुजांग, GOCHUJANG। पीछे हमने किमची बनाई थी, उसके बारे में, गोचुजांग के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। गोचुजांग की जो खूबसूरती होती है वो होती है उसका एक स्लाइटली फर्मेंटेड खट्टा नोट। जैसे दही फर्मेंट करके खट्टी हो जाती है ना, वैसे गोचुजांग भी फर्मेंट करके खट्टा हो जाता है, और वही इसकी मोनोपोली है। विनेगर वाली खटास नहीं, फर्मेंटेशन वाली खटास, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डीप खटास। तो अगर आपको गोचुजांग घर पे बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि पहले थोड़ा गार्लिक लें, गार्लिक को ऑयल में हल्का सा सौते कर लें, ठीक है, कलर नहीं देना, बस ऑयल में हल्का सा घोलना है, उसको मेल्ट करना है। इसके बाद इसमें डाला पानी, पानी के बाद पानी में डाली शक्कर, थोड़ी वाइट थोड़ी ब्राउन, सिर्फ ब्राउन भी डाल सकते हैं, सिर्फ वाइट भी डाल सकते हैं, श्रद्धा है आपकी, बट शुगर डालनी ज़रूरी है। फर्मेंटेशन जहाँ हो रहा है वहाँ शक्कर होनी चाहिए। ये है जी चावल का आटा। चावल के आटे को पानी में मिक्स करके एक माड़ बना लिया। चावल के आटे की ये स्लरी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोचुजांग का। अगर आपको कोई कहे कि गोचुजांग मतलब सिर्फ चिलीज लीजिए, उसको भून भान लीजिए, हो गया, तो आई एम सॉरी, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। चावल का ये जो आटा है, इसको खमीरना, इसको खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये खमीरेगा नहीं, खट्टा नहीं होगा, तब तक गोचुजांग गोचुजांग नहीं बनेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये भीगी हुई मिर्च, रंग वाली डालता हूँ मैं, आप रंग और शार्पनेस वाली दोनों डाल सकते हैं। अब अगर आपको इसको चीट करना है तो आप दो काम कर सकते हैं, दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक तो आप इसमें डाल सकते हैं अदरक, लेकिन वो कच्ची ना डालें, कुछ भी फर्मेंट होना होता है उसमें चीज़ पकनी चाहिए, वरना वो फर्मेंटेशन नहीं होता, फिर ख़राब हो जाती है चीज़। और दूसरा इसके अंदर आप डाल सकते हैं धनिए की डंडी, उसको भी पका लें। अब एक बहुत ज़रूरी सूचना, अगर आप अच्छा गोचुजांग बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बियर रख लीजिए, है। गोचुजांग में मॉल्टेड बार्ले जाता है जो बियर में जाता है, फर्मेंटेशन वो कॉज करता है। यहाँ पर आप राइस डाल रहे हैं, अगर आपको स्टार्टर के लिए थोड़ा ईस्ट डालना है या थोड़ी सी बियर डालनी है तो डाल सकते हैं, लेकिन जब ये पेस्ट ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर बियर मिक्स करिएगा, वरना फर्मेंटेशन नहीं होगा। स्पाइस गोचुजांग भी बनाते हैं लोग, उसके अंदर कुछ लोग सिनेमन डालते हैं, कुछ लोग स्टार एनीस डालते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल नाम भर का स्टार एनीस और सिनेमन भी डाल सकते हैं आप। गोचुजांग में जो मिर्ची जाती है उसको कहते हैं गोचुगारू, दो तरह की होती है, मोटी कुटी हुई और पतली, ऐसे सोख करके मिर्ची नहीं जाती है, ड्राई चिली पाउडर जाता है और सब मिक्स कर दिया जाता है। तो अगर आप बारीक चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फाइन गोचुजांग बन जाएगा, अगर कोर्स चिली पाउडर या गोचुगारू यूज़ कर रहे हैं तो कोर्स गोचुजांग बन जाएगा। गोचुजांग को फिर एक घड़े में छोड़ दिया जाता है, घड़े में धीरे 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 वो फर्मेंट होता है, जैसे हमारे घरों में अचार रखा जाता है उस तरह के घड़े में उसको रखा जाता है, मर्तबान में रखा जाता है, वहाँ पर वो फर्मेंट होता है, कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन। उस घड़े को स्टेरिलाइज करने के लिए बड़े कमाल की चीज़ की जाती है, उस घड़े को स्टेरिलाइज करने के लिए कोयला जला के उसके ऊपर तिल डाल दिए जाते हैं, तो कोयले की गर्मी से गोचुजांग का घड़ा या मर्तबान स्टेरिलाइज हो जाता है और उसमें तिल की एक बहुत गहरी खुशबू आ जाती है, उसके बाद उसको पलट दिया जाता है और फिर उसमें चिली पेस्ट डाला जाता है। सब बता दिया मैंने, अब आपको गोचुजांग के बारे में काफ़ी हद तक पता है, अब ये जाएगा पेस्ट होने के लिए। पेस्ट होने के बाद इससे वापस मुलाकात करेंगे, तब तक चिकन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, चावल के लिए जो आप फर्मेंट कर रहे हैं ना, पहली बार तो कर नहीं रहे, बंगाल में पांता भात बनता है, वो चावल के फर्मेंटेशन से बनता है, उड़ीसा में वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, पखाड़ा, वो चावल के फर्मेंटेशन से बनता है, जापान में राइस वाइन बनती है चावल के फर्मेंटेशन से, कोरिया में राइस वाइन बनती है। तो चावल के फर्मेंटेशन को चिली पेस्ट के साथ इस्तेमाल करना, ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ ही उसके अंदर मॉल्टेड बार्ले डालना एक बियर वाले फ्लेवर के लिए,
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ से जो सीख सकते हैं वहाँ से वो सीख लेना चाहिए, और साथ में चिकन को भी काट लेना चाहिए। ये मैं चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूँ, चिकन ब्रेस्ट को हम काट रहे हैं डाइसेस में। चिकन ब्रेस्ट को हम डाइसेस में इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसका बनेगा बोनलेस चिली चिकन ग्रेवी। तो बेसिकली आज आपकी कोरियन स्पाइसी क्लास है, एक कोरियन चिली चिकन और दूसरा कोरियन फ्राइड चिकन। और फ्राइड चिकन के लिए साबुत विंग्स ले लीजिए, ठीक है। ये हो गई ड्रमेट, ड्रमस्टिक पैर से निकलती है, ड्रमेट हाथ से निकलती है। उसके बाद ये हो गया विंगलेट, विंग भी बोल देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं टिप। तो टिप जो है उसे काटना है हमको। टिप में क्या है ना, मीट कम होता है, उलझन ज़्यादा होती है। तो ज़िंदगी जो है छोटी सी है, उसको टिप्स में क्यों उलझाएं। और इनको ले लीजिए, अभी काम शुरू करते हैं। और ये गया चिकन ब्रेस्ट बोनलेस। अब करते हैं दोनों को मैरिनेट। मैरिनेशन सेम, अंडा, थोड़ा विनेगर। और ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये फर्स्ट मैरिनेशन है। खासतौर अगर आप चिकन विंग्स मैरिनेट कर रहे हैं ना, तो इसको ये फर्स्ट मैरिनेशन में नमक, विनेगर और अंडे के साथ छोड़ दीजिए आधा घंटा। लेकिन अगर आप बोनलेस चिकन मैरिनेट कर रहे हैं, चिकन ब्रेस्ट, तो छोड़ने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोनलेस चिकन जो है वैसे बहुत टेंडर होता है। अच्छा, और चिकन विंग्स जो है मैंने विद स्किन लिए हैं, विद स्किन लीजिएगा, मज़ा उसी का है। अब इसमें डालिए कॉर्न स्टार्च, थोड़ा मैदा, देखिए मैरिनेशन बिल्कुल सेम है, तिल थोड़ा सा, और अब मिक्स कर दीजिए। ये मैरिनेशन नंबर दो। यहाँ पर आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया एक मैरिनेशन, ये हो गया दूसरा मैरिनेशन। अब इस मैरिनेशन में आप चाहें तो अपने चिकन को छोड़ दें, कुछ नहीं होगा इसको, चाहे रात भर फ्रिज में डाल के रख दें। देखिए पेस्ट बन गया फर्स्ट क्लास। अब इसके साथ तीन काम कर सकते हैं आप। एक तो इस पेस्ट को ऐसे ही डाल सकते हैं नमक डाल के फर्मेंट होने के लिए। दूसरा, इसमें हल्की सी बियर डाल सकते हैं और बियर डाल के इसको फर्मेंट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास फर्मेंट करने का टाइम नहीं है तो जो मैं करने वाला हूँ वो कर सकते हैं। थोड़ी सी और शुगर, थोड़ा सॉल्ट, और इसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्विक रॉ गोचूजांग रेडी हो गया। इसको भून के भी रख सकते हैं, कच्चा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये जाएगा फर्मेंट होने के लिए थोड़ी सी बियर के साथ, एक मिट्टी के बर्तन में जो कि स्टरलाइज हो रखा हो, यानी कि एटलीस्ट खूब सारे गर्म पानी से निकल रखा हो। अगर कोयला और तिल है तो उससे स्टरलाइज कर लीजिएगा, और ये इंस्टेंटली यूज़ हो जाएगा। हम डब्बे वाला गोचूजांग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं और फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब करते हैं फ्राई अपना चिकन, नमक और बस। ये इसे डस्ट कर लीजिए। एक बार मैदा पकड़ ले, यानी कि फ्राइंग में थोड़ा सा मैदा हार्ड हो जाए, ऊपर की कोटिंग हार्ड हो जाए, तब इसको हिलाइए। पहले हिलाएंगे तो जो है चिकन अलग हो जाएगा, क्रस्टिंग अलग हो जाएगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, उन्होंने बताया था। देखिए विद बोन चिकन कभी भी एक बार में 100% कुक नहीं होगा, हमेशा हड्डी के पास से कच्चा रह जाएगा। इसके लिए उसको दो बार कुक करना ही पड़ता है। ये हमने एक बार कुक किया और इसके बाद हम दोबारा कुक करेंगे। दूसरा क्या है, तेल का टेम्परेचर भी आता है ना दो बार कुक करने में। मैंने कहा एक KFC वो होता है केंटकी वाला, और एक KFC ये है कोरिया वाला। केंटकी फ्राइड चिकन को बीट कर देगा ये कोरियन फ्राइड चिकन। दिस KFC इज बेटर देन दैट KFC। KFC वाले नाराज हो जाएंगे, हो ही रहे हैं ऑलरेडी, मेरे को लग रहा है तेल भी KFC वालों ने भेजा। ये चिली चिकन की तैयारी है, वो भी बोनलेस। एक्चुअली आपको पता है कि टांगड़ा में असल चिली चिकन जो बनता था इंडियन चाइनीज, वो हमेशा विद बोन बनता था। जो रोस्ट चिकन बच जाता था उसका बनता था चिली चिकन। जैसे तंदूरी चिकन बचने में क्या बनता था, बटर चिकन, वैसे ही रोस्ट चिकन बचने में बनता था चिली चिकन। नाइस, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया। देखिए पीस जो है आप चाहें तो और छोटे काट सकते हैं,
क्योंकि बाद में कोटिंग होगी ना, तो ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। मुझे थोड़े बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज चिकन ब्रेस्ट ड्राई बहुत जल्दी होती है, इसलिए अगर पहले ही बहुत छोटे पीस काट दिए तो चिकन ब्रेस्ट जो है वो ड्राई हो जाएगी और आप कहेंगे। देखिए पहले हाफ डन किया था, अब फुल डन करना है। कभी भी अगर हड्डी वाला चिकन है तो उसको आपको दो बार फ्राई करना ही चाहिए। और दूसरा क्या है ना, वो जो उसके ऊपर की स्किन है वो और क्रिस्पी भी होगी ना, दो बार फ्राई होगी तो डबल क्रिस्पी होने के चांसेस है ना। जब दूसरी बार फ्राई करेंगे तो तेल आपका ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ताकि क्रिस्पीनेस अच्छी आए। परफेक्ट, ये क्रिप्सी के क्रिप्सी, करारे के करारे, और मामला हो गया सेट। तो अब काउंटर करते हैं क्लीन, और उसके बाद बढ़िया सा एकदम क्रिप्सी कोरियन चिकन, कोरियन फ्राइड चिकन, KFC बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं चिली चिकन एकदम कोरियन स्टाइल से, कोरियन चिली चिकन KCC और KFC दोनों बनने वाला है आज। अब एक बेस सॉस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उस बेस सॉस पे आप बिल्डअप कर सकते हैं। गोचुजांग जो हमारा चिली पेस्ट था, जो शॉर्टकट वाला था, वो नहीं जो फर्मेंट होने के लिए गया हुआ, ये भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भुनाई से क्या होगा ना, जो हमने शुगर डाली है वो शुगर कैरमलाइज होगी, जो नेचुरल शुगर है मिर्च की वो बाहर निकल के आएगी, जो विनेगर है उसकी खटास अभी कच्ची है वो खटास पकेगी, इसलिए इस चिली पेस्ट को पकाना बहुत ज़रूरी है। कब तक पकाना है, तब तक पकाना जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ता। जब तेल छोड़ दे मतलब नेचुरल मिठास और खटास आ गई है इसमें। देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया ना, सॉल्ट, हल्का सा तिल का तेल, हल्का सा लाइट सोया सॉस, मिठास बैलेंस करने के लिए हनी, और नहीं, हनी पकाने से टॉक्सिक नहीं होता, हनी पकाने से हनी का न्यूट्रिशन भले ही चला जाता है लेकिन हनी जो है जहर नहीं बनता, दैट इज़ फॉर श्योर। मुझे पता है ना क्या सवाल आएंगे नीचे कमेंट्स में, पढ़ता हूँ मैं एक एक कमेंट। ये लो जी, खट्टा मीठा कर लिया इसको, ठीक है, रेडी हो गया अब सॉस, है ना। देखिए तेल वेल छूट गया है, क्या कलर आया है एकदम जानदार, ठीक है जी। ये है KFC का हिस्सा और ये है चिली चिकन का हिस्सा। चिली चिकन वाले हिस्से में थोड़ा और लाइट सोया सॉस, थोड़ा और सेसमी ऑयल और पानी, और जो कोरियन चिली चिकन है क्योंकि वो सॉस डाइल्यूट हो गया है इसलिए उसके अंदर थोड़ा और जिंजर इम्पॉर्टेंट है, वरना मैं आपको नहीं बोलता। देखिए इतना भूनेंगे उतने सूखी रहेंगे इसलिए भून लीजिएगा। और लास्ट में जो चिली चिकन है उसके अंदर गई स्लरी, मतलब अरारूट जो कि पानी में घोल रखा है हमने, और उससे हमने कर लिया सॉस गाढ़ा। इसके अंदर आप मशरूम भी डाल सकते हैं, अभी मैं जैसे ये डाल रहा हूँ ना स्प्रिंग अनियन, ये बन गया चिली चिकन। एक्चुअली अगर मशरूम होते तो मजा आ जाता। फ्राइड चिकन के सॉस को भी कर लेते हैं गरम। गरम करते समय थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा विनेगर। देखिए ये जो फ्राइड चिकन का सॉस है ना, ये बहुत इंटेंस होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा सॉस कोट करेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपका सॉस कमज़ोर रह गया तो चिकन के ऊपर ज़रा ज़रा सी जो कोटिंग आएगी उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब इसके अंदर डाला हरे धनिए की डंडी, तिल और एकदम गरम गरम गैस बंद करके क्रिस्पी क्रिस्पी निकलना चाहिए, इसलिए शुगर का कैरमलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर कैरमलाइज नहीं होगी तो चिकन क्रिस्पी नहीं होगा, चिकन क्रिस्पी नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो फिर पता ही आपको। ब्यूटीफुल,
मतलब वो विंग्स ही क्या जो जो खाते हो हाथ गंदे ना हो। और वो स्पाइसी ही क्या जिसे टेस्ट करके आदमी पानी ना मांगे। मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकता, लेकिन इसमें जो खट्टे मीठे का बैलेंस है ना, उसने मेरे जैसे नॉन स्पाइसी आदमी को भी स्पाइसी बना दिया। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्पाइस लाएं। कोरिया जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी रेसिपी उठाएं और कोरियन चिली चिकन और कोरियन फ्राइड चिकन, ठीक।